खबर है सहारनपुर जनपद की तहसील बेहट के गांव फतेहपुर की, और तस्वीरों के साथ मैं आपको ये खबर बताऊंगा। और पहले तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं कि यहां एक जो घराट लगाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पानी है, यहां से पानी इस घराट में प्रवेश करता है, और पानी से, ऐसा कहा जाता है कि पानी से यहाँ आटा पीसा जाता है। और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और इस वक्त मैं सहारनपुर जनपद के तहसील बेहट के गांव फतेहपुर में मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये कोई आम कोई घर या फिर कोई झोपड़ी नहीं है। आप देख सकते हैं इसको घराट नाम दिया गया है, और यहां पानी से आटा पीसे जाता है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बाकायदा आपको लाइव प्रूफ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ आखिरकार पानी से आटा कैसे पीसा जाता है। चलिए हम आपको अंदर इस घराट में लिए चलते हैं और आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये जो बोरियां यहाँ रखी हुई हैं, इनमें आटा है या फिर अनाज है, और तस्वीरें मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो है पानी के द्वारा यहाँ आटा पीसा जाता है। ये देखिए लाइव प्रूफ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इस वक्त की सीधी तस्वीरें सहारनपुर की तहसील बेहट के उस इलाके में हम मौजूद हैं जो कि फलपट्टी के रूप में जाना जाता है, और गांव है फतेहपुर। फतेहपुर गांव में ये स्थित घराट, जहां पर तमाम दावे किए जाते हैं और तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं कि भाई पानी से यहां आटा पीसा जाता है, और आज हमने आखिरकार वो लाइव प्रूफ तस्वीरें आपको दिखाई दी है कि पानी से आटा आखिरकार कैसे पीसा जाता है, क्या वो उपकरण है, किस तरीके की ये मशीनरी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए ये जो पार्ट इस वक्त गोल गोल घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये आखिरकार किसी इंजन से नहीं, किसी मोटर से नहीं, ये पानी के द्वारा घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये घूम रहा है तो आटा पिसता हुआ आप देख सकते हैं जो सामने ढेर लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहकर ये दिखाना भी चाहूँगा आखिरकार ये जो आटे का ढेर है, ये कोई किसी इंजन वाली चक्की से या फिर किसी मोटर वाली चक्की से नहीं पीसा गया है, बल्कि ये इसी पानी से चलने वाले घराट से यहाँ आटा पीसा जा रहा है। ये देखिए इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और हम इस घराट के जो संचालक हैं उनसे आखिरकार बातचीत भी करना चाहेंगे, आखिरकार ये जो घराट है कब से यहाँ चल रहा है और कितने दिन पूर्व और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आटा पिसवाने आते हैं। ये देखिए ये कांटा है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं, पानी से यहाँ आटा पीसा जाता है, और जो संचालक हैं इसके, जो पूरे इस घराट को पूरा इसका मैनेजमेंट देखते हैं या फिर संचालित करते हैं, उनसे हम सीधा बातचीत कर लेते हैं। जी चाचा, क्या नाम है? लिल्लू जी। लिल्लू जी, चाचा जी क्या देख रहे हैं, जो कब से चल रहा है आपका ये घराट? 30-40 साल है। 30-40 साल। कहाँ कहाँ से लोग आटा पिसवाने के लिए? फतेहपुर जानीपुर रहना, बस ये दो तीन गांव, तीन चार गांव आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेहनताना बन जाता है अच्छा खासा? मेहनता मानता कुछ नहीं बनता है यहाँ, और क्या गुजारा चल रहा है। 5 किलो बन गया, 10 किलो बन गया, नहीं फालतू नहीं है, ये तो नहीं बनता है। तमाम जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुँचते हैं आपके पास? हाँ पहुँचते हैं। अच्छा, तो क्या उपकरण लगे हैं इसमें, कैसा, कब से आपने, कहाँ से सोचा, इस तरह की जिज्ञासा कहाँ से पैदा हुई कि भाई ऐसा घराट लगाया जाए? ये तो जी मिलिट्री का जुगाड़ था पहला। अच्छा अच्छा, मिलिट्री ने जुगाड़ जोड़ा था पहले, फिर हमारे बाबा हरना जोड़ दिया, फिर हमारे बाप हरना जोड़ दिया, फिर वो मर गए, हमें मरना ही। तो गुजारा तो होता होगा? गुजारा ज्यादा नहीं होता, थोड़े 5 किलो बढ़ गया, 10 किलो बढ़ गया, नहीं गुजारा ज्यादा नहीं है। तो मोदी सरकार है, मुफ्त राशन दे रही है जनता को, तमाम इतने ही है जी, इतने लोग तो पहुंच रहे होंगे बड़ी संख्या में। ना इतने ही पहुंचा, 5 किलो बन गया, 10 किलो बन गया, ज्यादा नहीं बनता इसमें। अंजन, आपका गांव कौन सा है? फतेहपुर। फतेहपुर ही है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो 4000 साल से चल रहा है? हाँ 40 साल से। देखिए एक बेहतर तकनीकी हमने आपको दिखाई, और ये इनके साथ कुछ सहयोगी भी बैठे हुए हैं। जी आपका क्या नाम है? मदन है जी। मदन जी, क्या लग रहा है, कब से चल रहा है घर आदमी? नहीं है इतना टाइम तो, 4000 साल हो गया इतना टाइम। तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आटा पिसवाने के लिए? यही वहाँ पर 5-4 गांवों के, नवे शहर है, खैरी खोरी, और घराट एक थोड़ी है, दो नीचे हैं। दो नीचे भी है? हाँ, और ऊपर भी है। तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई पानी से आटा कैसे पीसा जाए? ठंडा आटा है जो आमतौर पर जो चक्की में पिसवाते हैं आटा, ठंडा ही आटा, उससे कुछ अलग है। ये फूकता नहीं है, अंजन होया, बिजली होया तो फूक गया, ये फूकता नहीं है, इसमें बराबर निकल, जान भी है। हाँ इसमें जान है, इसमें जान है। तो लोग सोचते हैं कि भाई पानी से कैसे आटा पीस जाएगा? वो तो पत्थर के उससे चरखा है नीचे, वो पीस रहा है, घुमा रहा है नीचे, चरखा है। हाँ हाँ, वो ये तो घुमा रहा है नीचे, नहीं और कोई मैटर नहीं है। पानी से चरखा घूम रहा है, फिर पार्ट्स घूम रहे हैं, पानी में घुमा रहा है चरखा, वो घुमा रहा है, आटा पीस रहा है। जी जी, आटा पीस। ये थे आटा, जो आटा पीसने वाला जो घराट है उसके संचालक करता, और उनके साथ कुछ और भी लोग, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि
पानी से जो आटा पीस रहा है वो कहीं ना कहीं पानी चरखे को घुमा रहा है, और फिर पार्ट्स घूम रहे हैं, और फिर पार्ट्स जो है आटा पीस कर वो जो है बाहर निकाल रहे हैं।